हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस एंड यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस एंड यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, बैरन कॉर्बिन को हमने काफी टाइम मेन इवेंट पिक्चर में देखा है। अकॉर्डिंग टू स्लाइस रेसलिंग, विंस मैकमैन एक काफी बड़े सपोर्टर रहे हैं बैरन कॉर्बिन के, मेनली बिकॉज बैरन कॉर्बिन टॉलेस्ट सुपरस्टार है रोस्टर में। पर दोस्तों, रॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉल हेमन ने सजेस्ट किया विंस मैकमैन को कि वो बैरन कॉर्बिन को मेन इवेंट सीन से निकाल दे। वो इसलिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि रॉ की व्यूअरशिप और कम हो। एनीवेज, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो जुड़ी है WWE सुपरस्टार्स के रिटर्न से। दोस्तों, हमें तीन बड़े सुपरस्टार्स की रिटर्न डेट मिल चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि जेफ हार्डी WWE से बाहर हो गए थे ड्यू टू नी इंजरी। अब हमें रिपोर्ट मिली है कि जेफ हार्डी वापस आ सकते हैं नवंबर 2 को। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में। बॉबी लैशली को एक साल से अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा है और हमें करंटली रिपोर्ट्स मिली है कि वो फिलहाल डील कर रहे हैं एक अनडिस्क्लोज इंजरी से, एंड इवन WWE ने भी उनको इनएक्टिव सुपरस्टार से लिस्ट किया है। एंड देन हमें रिपोर्ट मिली है कि फाइटफुल ने कहा है कि बॉबी लैशली भी नवंबर 2 को आ सकते हैं। और दोस्तों, जो थर्ड बड़े सुपरस्टार की रिटर्न होने वाली है वो है फॉर्मर WWE चैंपियन जिंदर महाल। जिंदर महाल को पटेला इंजरी हो गई थी जिसकी सर्जरी उन्होंने करा ली है और वो अब रिहैब कर रहे हैं। और दोस्तों, रिपोर्ट हमें ये मिले हैं कि जिंदर महाल पॉसिबली आ सकते हैं January 1, 2020 को। और आपको पता ही है कि जिंदर महाल ने तो 5 ईयर की डील भी साइन कर ली है WWE से। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि जिंदर महाल 2019 के एंड में भी आ जाए, तो हु नोज। एंड हम बस होप करते हैं कि जिंदर महाल इस टाइम पुश लेकर आए। तो चलिए बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज से। सेथ रॉलिंस की तगड़ी बीटिंग के बाद ये बड़ा सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस नेक्स्ट रॉ में आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो 100% होंगे टू कम्पीट फॉर समर स्लैम। तो दोस्तों, हमें कुछ इस तरह का एंगल देखने मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस अपना रिटर्न करेंगे रॉ में, वो भी क्रचेस के साथ लिंप करते हुए, और फिर से ब्रॉक लेसनर उन्हें बुरी तरह से मारने जाएंगे। पर दोस्तों, इस टाइम उन्हें बचाने आएंगे रोमन रेंज, और ऐसे फिर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज मिलकर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर पर अटैक करेंगे। एंड देन हमें पता चलेगा कि आखिर कौन फेस करेगा ब्रॉक लेसनर को एट समर स्लैम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो फिर दोस्तों, रॉ काफी जबरदस्त होने वाली है जो होगी गो होम शो फॉर समर स्लैम। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि रोमन रेंज सेथ रॉलिंस की मदद करे टू बीट ब्रॉक लेसनर ऑन नेक्स्ट रॉ। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।